दोस्तों, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? आखिर रावण कैसे करता रहा कुंभकर्ण की पत्नी के साथ गलत काम? रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या किया, आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सबको पता है कि कुंभकर्ण रावण का भाई था। अपने भाई के लिए ही उसने श्री राम जी से युद्ध किया था और उस युद्ध में वह मारा गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको कुंभकर्ण के बारे में और कुछ पता है, या फिर कुंभकर्ण की पत्नियों के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता तो बता दे कि कुंभकर्ण की 2 पत्नियां इतनी शक्तिशाली थी कि वह अगर चाहती तो श्री राम जी को चुटकियों में हरा देती। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको चौंका सकती है, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नियां कोई आम स्त्री नहीं थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थी और कुंभकर्ण के बच्चे उससे भी बड़े योद्धा थे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभकर्ण के बारे में वह जानकारी देने वाले हैं जो आज से पहले आपने किसी से नहीं सुनी होंगी। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कुंभकर्ण जब 6 महीने सो जाता था तो उसके सोने के बाद उसकी पत्नियां क्या करती थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, रावण एक महाज्ञानी और महायोद्धा था। कुंभकर्ण भी रावण की तरह महाज्ञानी और महायोद्धा था, लेकिन श्राप के कारण उसकी शक्ति छीन हो गई थी। जब बैकुंठ लोक में कुंभकर्ण और उसका भाई रावण जय और विजय के रूप में विष्णु जी के द्वारपाल थे, तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऋषियों का अपमान किया था, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला, और उसी श्राप की वजह से जय और विजय का जन्म राक्षस योनि यानी में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिसके बाद उन्हें अपने पिछले जन्म का आधा भाग याद ही नहीं रहा था। बस उन्हें विष्णु जी के द्वारा बताई गई यह बात याद थी कि इस राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान के हाथों से मरना पड़ेगा, तभी उनका उद्धार होगा। दोस्तों, कुंभकर्ण एक ज्ञानी था और साथ ही वो सही और गलत की अच्छी समझ रखता था। उसके मुताबिक अगर उसे किसी चीज की सजा मिली है तो उसे वो भोगनी पड़ेगी। लेकिन रावण चालक था, उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। ऋषि विश्रवा उसके पिता थे और उसकी माँ एक राक्षसी कुल की थी, जिसकी वजह से रावण और कुंभकर्ण दोनों में राक्षसी कुल के काफी लक्षण थे। रावण दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन कुंभकर्ण को वापस स्वर्ग ही जाना था, उसे मृत्युलोक नहीं अच्छा लग रहा था। दोस्तों, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि मृत्युलोक किसे कहते हैं, तो बता दे कि मृत्युलोक पृथ्वी को ही कहते हैं। कुंभकर्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए उसने अपने भाई रावण से पूछा कि उन दोनों को वापस स्वर्ग लोक में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तब रावण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इस चीज का जल्द ही मैं हल निकालूंगा। दोस्तों, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया महाग्रंथ रामायण, जिसमें साफ इस बात को बताया गया है कि कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण किया था, इस वजह से कुंभकर्ण और रावण की विकृति पूरी तरह से राक्षसों वाली थी। जबकि कैकसी ने अपने पति से यह वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे ऐसे 2 पुत्र चाहिए जो शक्ति में देवों से आगे हो, अगर देवताओं से लड़ाई हो जाए तो मेरे पुत्रों ने उन्हें हरा दे, और उसी के कुछ समय बाद ही रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। रावण और कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत शैतान थे। कुंभकर्ण अक्सर ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डाला करता था। कभी वो उनके यज्ञ में मांस का टुकड़ा फेंक देता था, तो कभी उनके यज्ञ स्थल पर मरे हुए जानवर फेंक देता था। एक बार इन सारी चीजों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने इस चीज की शिकायत ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी को पता था कि ये कुंभकर्ण ऋषि विश्वा का पुत्र है और बहुत जिद्दी है, इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि आप कुंभकर्ण को कैसे भी कुछ देर के लिए शांत करें और उससे कुछ ऐसा करवाए कि वो शांत हो जाए। नारद जी तुरंत ही कुंभकर्ण के पास प्रकट हुए और कुंभकर्ण से कहा कि आप क्यों इन ऋषि मुनियों से उलझ रहे हैं, आप खुद इतने बलवान हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा, और अगर आपने वो कर लिया तो आप ब्रह्मा तक को जीत सकते हैं।
ये सुनकर कुंभकर्ण की आंखों में एक चमक आ गई और उसने पूछा कि ऐसा क्या है जिसे मैं करके भगवान तक को हरा सकता हूँ। तब नारद ने कहा कि अगर तुम मदराचल पर्वत पर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को खुश कर सकते हो तो भगवान तुम्हें उस तपस्या के बदले वरदान देंगे। कुंभकर्ण जब मदराचल पर्वत की ओर बढ़ा तो उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत ही सुंदर मनमोहक स्त्री उसके सामने से निकल गई। कुंभकर्ण ने उसे देखते ही अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी और उसके पीछे चल पड़ा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रजज्वाला थी। ब्रजज्वाला को माया कन्या भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास कई मायावी शक्तियां थी। कुंभकर्ण ब्रजज्वाला के पीछे पीछे चलते हुए उसे आवाज देने लगा। उसने कहा, सुंदरी तुम कौन हो? मेरा हृदय तुम पर आ गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ब्रजज्वाला कुंभकर्ण से करीब 2000 साल बड़ी थी क्योंकि वो मृत्यु लोक में तब से थी जब भगवान विष्णु ने धरती को 3 पग में नाप लिया था। ब्रजज्वाला को मृत्यु लोक में इतना समय एक श्राप की वजह से बिताना पड़ा था। उसी समय कुंभकर्ण ने ब्रजज्वाला से विवाह किया और दोनों ने कुछ समय साथ में बिताया। इसी दौरान कुंभकर्ण ने उसे अपनी तपस्या के बारे में बताया और वह मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए आगे निकल पड़ा और कुछ ही दिनों में कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। इसी दौरान भगवान शिव जी ने पार्वती माँ के लिए सोने की लंका का निर्माण कराया था और लंका में गृह प्रवेश के लिए भगवान शिव और पार्वती जी एक विद्वान पंडित को ढूंढ रहे थे। तभी रावण ने लंका का गृह प्रवेश कराया और जब बात दक्षिणा की आई तो रावण ने भगवान शिव से दक्षिणा में लंका ही मांग ली और शिव जी ने समस्त सोने की लंका रावण को दे दी। दोस्तों, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उधर रावण ने अपना बसेरा लंका में कर लिया और वहां उसने सारे ग्रहों को अपनी लंका में बांध लिया। उसने सबसे पहले शुक्र ग्रह को बांधा क्योंकि शुक्र ग्रह विलासिता, स्त्री सुख और धन संपदा का कारक है। सबसे आखिर में उसने अपने भाई कुबेर को अपने पास बंदी बना लिया ताकि उसके पास धन संपदा की कमी ना हो। इतना करते करते कुंभकर्ण की तपस्या पूरी हुई और उसके पास ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? ये सारी चीजें पहले से ही तय थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा था कि जब कुंभकर्ण मुझसे वरदान मांगे तो तुम उसकी जीभ पर बैठ जाना या फिर उसकी बुद्धि फेर देना, क्योंकि जो कुंभकर्ण मांगने वाला है अगर वो उससे मिल गया तो वो पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। कुंभकर्ण भगवान से इंद्रासन मांगना चाहता था लेकिन सरस्वती माता की वजह से उसने निद्रासन मांग लिया। आपको बता दे कि निद्रासन का मतलब होता है हमेशा सोते रहना। इस वरदान के हिसाब से कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता, लेकिन ये बात रावण को पता चली तो उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बात की, इस वरदान के हिसाब से तो मेरा भाई कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा। ये सब ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की लीला थी। कुंभकर्ण मांगना इंद्रासन ही चाहता था क्योंकि उसकी इंद्र से दुश्मनी थी। काफी बात करने और समझाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने दिए हुए वरदान में बदलाव किया। कुंभकर्ण 6 महीने में मात्र 1 दिन जागेगा। कुंभकर्ण और उसके पहली पत्नी ब्रजज्वाला के 2 बच्चे थे जिसमें से एक का नाम शुंभ और दूसरे का नाम निशुंभ था जो कि आगे चलकर एक बड़े राक्षस बने, और इन दोनों भाइयों को माता शेरावाली ने मारा था। आप जब अपने घर में शेरावाली माता की आरती करते होंगे या फिर आपने कहीं आरती सुनी होंगी तो आरती में एक लाइन आती है, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। इस लाइन में कुंभकर्ण के 2 राक्षस बालकों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुंभकर्ण की पत्नी ब्रजज्वाला को भगवान विष्णु जी से वरदान था, उसका बनाया हुआ हथियार सृष्टि का सबसे अच्छा और सबसे मजबूत हथियार होगा, इसलिए रावण ने उसे शुंभ और निशुंभ के साथ लंका बुला लिया था। दोस्तों, निद्रासन का वरदान मिलने के बाद कुंभकर्ण सबसे पहले इंद्र लोक गया, लेकिन वहां इंद्र भगवान नहीं थे। और अगले दिन अपने निद्रासन के वरदान के कारण कुंभकर्ण लंका पहुंचते ही वापस सो गया। दोस्तों, जब कुंभकर्ण इंद्रलोक से वापस आ रहा था तभी उसने अपना दूसरा विवाह किया था।
कुंभकर्ण ने दूसरा विवाह करकटी नामक राक्षसी से किया था, जो कि सह्याद्री की राजकुमारी थी। इसके साथ कुंभकर्ण का एक और भी बेटा हुआ, भीमासुर। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वो उसकी एक काल्पनिक शादी थी, मतलब कि वो शादी असल शादी नहीं थी, न ही उससे कोई बच्चे थे, और उस शादी के बारे में काफी सारी चीजें रहस्यमय है। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजज्वाला लंका में हथियार बनाने का काम करती थी और खाली समय में तो कुंभकर्ण के लिए खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण 6 महीने बाद अपनी नींद से जागे तो उसकी पत्नी द्वारा बनाया खाना खाकर कुंभकर्ण की भूख मिट सके। दोस्तों, कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी ने कुंभकर्ण से शादी के बाद अपने बच्चे को जन्म दिया और वापस अपने ही राज्य में रहने लगी थी और अपना राज्य संभालने लगी थी। करकटी अपने बच्चे को बहुत चाहती थी और उसे पता था कि कुंभकर्ण के भाई रावण और कुंभकर्ण की लड़ाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से है। उसे लगता था कि इन सब में कहीं उसके बेटे को कुछ न हो जाए, इसलिए कुंभकर्ण के मरने के बाद करकटी अपने बेटे को लेकर काफी दूर चली गई, ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। लेकिन बाद में बड़े होने पर जब उसके बेटे को अपने पिता की मौत के बारे में पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। वह जहां भस्म हुआ वही शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भी है। दोस्तों, कुंभकर्ण के पिता ऋषि विद्वान थे, उन्होंने कुंभकर्ण को शिक्षा दी थी, इसलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वो भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और सकारात्मक स्वभाव वाला राक्षस था। उसके बारे में ये भी माना जाता है कि वह एक महान लड़ाका था, उसे कोई नहीं हरा पाता था। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो उसने राम जी की सेना को तितर बितर कर दिया और वहां उसने बड़े पैमाने पर वानरों को मार दिया था। बाद में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हुई। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण बहुत दुखी हुआ, लेकिन रावण से ज्यादा दुखी उसकी पत्नियां थी। उसकी 2 पत्नियां युद्ध में मारी गई थी क्योंकि उन्होंने प्रभु राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और प्रभु राम ने ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि कुंभकर्ण मृत्यु के बाद वापस विष्णु जी का द्वारपाल विजय बन गया, और हमारे ग्रंथ भी इसी ओर इशारा करते हैं कि 3 बार राक्षस योनि के बाद कुंभकर्ण वापस विष्णु लोक गया। तो दोस्तों, यह है कुंभकर्ण के बारे में कुछ वो जानकारियां जो शायद ही आज से पहले आपने किसी से सुनी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।